यू कैन सी मेरी हेयरलाइन से कितने सारे बाल गायब हो चुके हैं। क्लियर है, एक बाल भी आपको नजर नहीं आएगा। यस, सिर्फ ये इतना सा हेयर फॉल हुआ है मुझे। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बे मिनिमलिस्ट के एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू। एंड दिस इज मिनिमलिस्ट हेयर ग्रोथ एक्टिव। सो आई डोंट नो कि मिनिमलिस्ट ब्रांड तो बी मिनिमलिस्ट है, बट पता नहीं अपने पैकेजिंग पे हमेशा मिनिमलिस्ट क्यों मेंशन करते हैं। बट यस, जो भी है, सो या ये जो प्रोडक्ट है गाइज, इनका न्यूली लॉन्च है, मार्केट में आए हुए, इसको जस्ट अभी 2 months हुए हैं और लास्ट 1 month से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सो पहले मैंने सोचा था कि मैं इसका 21 डेज का चैलेंज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट जब मैंने इनके कस्टमर केयर पे बात की, इनका कस्टमर केयर सेंटर गाइज अमेजिंग है, बहुत अच्छे से वो बात करते हैं। इनफैक्ट अगर आप इनके इंस्टाग्राम पे भी आप DM करोगे या फिर इनके कॉमेंट्स में भी आप पूछोगे ना, तो वो ज़रूर से आपको रिप्लाई करते हैं। तो मैंने जब इनके कस्टमर केयर पे बात की तो पता चला कि 4 months तक आपको मिनिमम इसको यूज़ करना होगा, तब जाके आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। और अगर आपको न्यू हेयर ग्रोथ चाहिए तो एटलीस्ट आपको इसको 8 weeks तक यूज़ करना पड़ेगा, लाइक आपको 2 months तक यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको गाइज मुझे यूज़ करते हुए 1 month हो गया है, 1 month के बाद मैं अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में लाइव क्लिप के साथ दिखाने वाली हूँ कि पहले मेरा हेयर फॉल कितना होता था एंड इसको यूज़ करने के बाद लिटरली कम हुआ है या हेयर ग्रोथ स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। प्लीज़ गाइज वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ हेल्पफुल ज़रूर आप लोगों के लिए रहने वाला है। एंड यस, ऑफकोर्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए गाइज बात करते हैं पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट की। सो ये आपको कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव होता है, जैसे कि मिनिमलिस्ट के और प्रोडक्ट्स आते हैं, सेम वैसी इसकी पैकेजिंग है। प्राइस है इसकी 799 रुपीज, और मैंने इसको अमेजोन से बाय किया है तो मुझे आई थिंक 749 रुपीज तक का कुछ रहा है। एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है दैट इज 1 year एंड क्वान्टिटी इज 30 ml, विच इज वेरी लेस, क्योंकि हेयर सीरम है, बालों की रूट्स में हमें अप्लाई करना है, तो 30 ml इज नथिंग, लाइक बहुत जल्दी से फिनिश हो जाता है। सो गाइज, जैसा कि मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी सिलिकन, फ्रेग्रेंस, एसेंशियल ऑयल, डाइज, सल्फेट एंड पैराबेंस कुछ भी नहीं होता है। सो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है दैट इज हेयर ग्रोथ एक्टिव 18%, तो इसके अंदर जितना इसकी क्वांटिटी है उसमें 18% इन्होंने हेयर ग्रोथ एक्टिव्स डाले हुए हैं। तो मैं आपको एक एक एक्टिव्स के बारे में बताती हूँ कि कौन सा किस अकॉर्डिंग काम करता है। बेसिकली मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट मैंने इंटरनेट पर सर्च की, क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट काफ़ी अच्छे से मेंशन है, तो आप भी इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हो कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। सो गाइज, बात करें इसके फॉर्मुलेशन की, तो इसका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज़ कैपिक्सिल, जो कि आपको 5% के कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिलता है। तो कैपिक्सिल बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट होने से रोकता है, दैट मीन्स कि ये आपके DHT को ब्लॉक करता है। तो अगर DHT ब्लॉकर होगा तो आपके जो हेयर फॉलिकल है वो स्ट्रांग बन के रहेंगे, वीक नहीं होंगे और हेयर फॉल कम होगा। नेक्स्ट जो एक्टिव है दैट इज़ रेडिनसिल, जो आपको 3% के कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिलता है। तो ये बेसिकली आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। एंड गाइस, जो थर्ड इंग्रेडिएंट है दैट इज़ प्रोकैपिल, ये बेसिकली न्यू फार्मूला है जो कि सिट्रस ट्री एंड ऑलिव ट्रीज में पाया जाता है। तो बेसिकली ये आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर लॉस को कम करता है और आपके जो हेयर ग्रोथ है उसको 121% बूस्ट करता है। ये मैंने फ़िलहाल इंटरनेट पर पढ़ा है। एंड नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है गाइस दैट इज़ 4% बायोकैपिल, इससे हम अच्छे से वाकिफ़ है। ये जो इंग्रेडिएंट है ये आपके बालों में डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। ये बहुत ही पुराना साइंटिफिक फार्मूला है जिसको काफ़ी सारे जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अंदर मिलाया जाता है। एंड गाइज, इसके बैक साइड में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट इन्होंने मिक्स किए हुए हैं, तो कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है, जो भी है आपके सामने है। इसके अंदर आपको कटलेरिया मिल जाता है, कमेलिया मिल जाता है, जो कि आपके इन्फ्लामेशन को कम करता है, आपके बालों की हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छे लेवल में एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। और इसके साथ साथ गाइज, इसमें अदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके बालों में मॉइस्चराइजिंग का काम करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके ओवरऑल बालों की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि कितना अच्छा फार्मूला इन्होंने मिक्स किया हुआ है, बहुत ही पावरफुल है, इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अमेजिंग है गाइज।
एंड इनर पैकेजिंग की बात करें तो आपको अंदर मिलती है इस तरह की एक कांच की बॉटल एंड उसके बाद आपको मिलता है एक ड्रॉपर विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ड्रॉपर के साथ अगर आप इसकी क्वांटिटी लेते हो तो काफ़ी सफिशियंट क्वांटिटी में निकलता है, प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है। बट गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे ही आप इसके ड्रॉपर को निकालोगे, अगर आप ड्रॉपर प्रेस नहीं कर रहे हो फिर भी ये प्रोडक्ट निकलता जाएगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। पहले अपने पाम में ले लीजिए इसको, उसके बाद ही आपको इसको यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको बताती कि आपको इसको किस तरह से यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको दिन में नहीं लगाना है, रात को ही अप्लाई करना है, क्योंकि इसके अंदर एकदम मेंशन है कि आपको यूज पीएम लाइक आपको शाम में ही अप्लाई करना है, एएम में नहीं लगाना है। नॉर्मल सी आपको क्वांटिटी लेनी है, पाम में 5 to 6 ड्रॉप्स सफिशिएंट होती है। एंड देन आपको अपने स्कैल्प में बहुत ही जेंटली मसाज करनी है, बालों की लेंथ में आपको नहीं अप्लाई करना है। अगर आप बालों की लेंथ में अप्लाई भी करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये हेयर एक्टिव्स है, ये आपके स्कैल्प पे वर्क करेंगे ना कि आपके हेयर लेंथ पे। क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली है तो बेटर यही है कि आप जस्ट अपने स्कैल्प पे इसको मालिश करें। एंड नॉर्मल आपको स्कैल्प पे मालिश करने के बाद 4 से 5 मिनट के बाद उसको छोड़ देना है। जब आप नाइट में अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि ये बहुत ही ऑयली और ग्रीसी फॉर्मूला है, बट जैसे आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपके बाल एकदम नॉर्मल लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके बालों में स्टिकी है। इवन अगर आपको नेक्स्ट डे हेयर वॉश भी नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बाल अगेन जैसे आपने हेयर वॉश किया हो वैसी ही फीलिंग देंगे। सो यस, मैंने गाइज इसको कॉन्टिन्यूसली 1 मंथ लगाया है, दो मैं अपने हेयर वॉश वीक में 3 बार ही करती हूँ, बट मैंने इसको रेगुलरली 1 मंथ तक यूज किया है, विदाउट ए डे स्किप, मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया है। सो गाइज चलिए मैं आप लोगों के साथ इसका लाइव एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इसको 1 मंथ तक कॉन्टिन्यूसली यूज करने के बाद मेरा जो हेयर फॉल था वो कितना कम हुआ, हेयर ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, तो चलिए फटाफट से वो लाइव क्लिप देख लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात। सो या सो गाइज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जो हेयरलाइन है वहाँ से काफ़ी बाल जा चुके हैं, एज हमें बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं रिव्यू पर्पज़ से, नए शैम्पू कंडीशनर हेयर ऑयल, तो इतना ज़्यादा आप नए प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं हेयरफॉल होता ही है। तो आप देख सकते हो जो हेयरलाइन है वहाँ से काफ़ी बाल जा चुके हैं, तो मैंने कोई भी हिना विना अपने बालों में नहीं लगाई है, नॉर्मल मैं अपने एकदम रो हेयर आप लोगों के सामने डिस्प्ले करना चाहती थी। सो या यू कैन सी अच्छा खासा जो गैप है वो बालों में नज़र आ रहा है कि कितने दूर दूर बाल है। वैसे मेरे बाल गाइस बहुत घने हैं बट आप देख सकते हो अगर हम बालों का पार्टीशन करेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि थोड़े से बाल गायब है वहाँ से, और हेयरलाइन पर तो गाइस काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है, देखिए आप से दिस। सो यस गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो बालों की हेयर ग्रोथ में तो मुझे एज सच कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, आप देख लीजिए जितना गैप था उतना ही है, एज मुझे इसको यूज़ करते हुए 1 मंथ हो गया है, बट थोड़े थोड़े से बेबी हेयर जो यहाँ पे है ना ये एकदम आपको पास से शायद कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट अगर मैं अपने हाथ से फील कर रही हूँ ना तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि छोटे छोटे से बेबी हेयर आना स्टार्ट हुए हैं, और आई डोंट नो कि वो क्या है, लिटरली वो उगेंगे पूरे या नहीं उगेंगे अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट या थोड़ा सा मुझे होप्स नज़र आ रही है, तो मैं इसको कंटिन्यूसली श्योर लगाऊंगी अभी 1 महीना और, बट यस मेरा जो हेयर फॉल है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। एंड गाइस अगर मैं अपने बाल आपको कोम करके भी दिखाऊँ ना, से दिस लाइक मेरे बाल अभी अच्छे वाले उलझे हुए हैं, बालों की क्वालिटी तो आप देख ही सकते हो कितनी अच्छे से इम्प्रूव हुई है, और अगर मैं आपको कोम करके दिखाऊँ तो से दिस लास्ट तक सारे बालों को लेके एंड यू कैन सी माई को से दिस एकदम क्लियर है, एक बाल भी आपको नज़र नहीं आएगा। यस एक दो बाल ज़रूर से नीचे गिरे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट ए मिनट। सी दिस जो हेयर फॉल था वो इतना ही है, बाकी पूरे फ्लोर पे आपको एक भी बाल नज़र नहीं आएगा गाइस। सी दिस सिर्फ ये इतना सा हेयर फॉल हुआ है मुझे, आप देख सकते हो मुश्किल से 2 या 3 बाल है। सी दिस दिस इज़ माई हेयर फॉल, देख सकते हो आप, नथिंग है मतलब लाइक ये तो कुछ भी नहीं है, इसको हम हेयरफॉल में काउंट भी नहीं करेंगे, बट यस बाल मेरे काफी अच्छे हो गए हैं, क्वालिटी भी काफी अच्छी हो गई है। अगर आपके बाल टूटेंगे ही नहीं तो वो पतले नजर नहीं आएंगे, उनमें डेंसिटी आती जाएगी टाइम के बाद में, और क्वालिटी भी काफी अच्छी इंप्रूव होती है। सो या आई मस्ट से आई एम रियली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। या गाइज आपने लाइव क्लिप में अच्छे से देख लिया होगा,
लिटरली ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। एंड उसका मुझे 8 वीक्स का चैलेंज अभी लेना है, 2 मंथ्स तक मैं यूज़ करके एक और ज़रूर से इसका वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसके मुझे और रिक्वेस्ट आने वाली है कि दी आप 8 वीक्स के बाद बताइए कि हेयर ग्रोथ करता है या नहीं करता है। तो मेरा जो हेयर फॉल था वो काफ़ी कंट्रोल हुआ, मैं आपको बोलूँगी 20% सिर्फ मेरा हेयर फॉल हो रहा है अभी जितना पहले होता था। तो आप मेरे बालों की डेंसिटी खुद देख सकते हो कितने घने लग रहे हैं, बालों की क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा चेंज आया है। मैंने कोई भी मेरे जो बाल है दैट इज वर्जिन, मैंने कोई भी कभी रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग कैरेटिन कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया हुआ है। सलोन गए हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है, सो ये जो मेरे बालों की क्वालिटी आप देख सकते हो सी दिस, तो मुझे इसको लगाने के बाद काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। बट यस, मेरी हेयर क्वालिटी में एंड हेयर फॉल में काफी इंप्रूवमेंट मुझे नजर आया है। एंड यस, मैं इसका 8 वीक्स का चैलेंज भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं इसकी एक और बॉटल मंगाने वाली हूँ, ये ऑलमोस्ट मेरा प्रोडक्ट खत्म हो गया है यार, 30 ml कितना चलेगा ना, तो एक और बॉटल में मंगवा के उसको 1 मंथ यूज करके एंड उसके बाद मैं आपको एक नया वीडियो लेके आऊंगी कि 8 वीक्स के बाद क्या लिटरली हेयर ग्रोथ करता है या नहीं करता है, जस्ट नॉर्मली आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो कमेंट्स होते हैं वो यही आते हैं कि दी ये हेयर ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, अच्छा हेयर फॉल को तो कंट्रोल करा है, नए बाल उगाएगा या नहीं उगाएगा। तो ये आपका जो भी डाउट है, जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बट यस, ये जो प्रोडक्ट है गाइज लिटरली हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। इसके जो एक्टिव्स है, जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाले हुए हैं, दे आर रियली अमेजिंग, आप खुद इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी तरह के डाउट्स है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। एंड या आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।